आपको क्या क्या आता है पहले ये बताओ। मुझे संस्कृत मंत्र चालीसा ऐसे काफी आते हैं। सारे एक बार बताओ कौन कौन से आते हैं। ऐसे भगवत गीता श्लोक है, एक गणेश जी का मंत्र है, एक माता जी का मंत्र, फिर जैसे कह लो काफी है। काफी है आपको सारे आते हैं। हाँ जी, पहला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का जो मेरा बना था पहले, वो 1 मिनट 50 सेकंड में मैंने हनुमान चालीसा, दूसरा जो बना था मेरा 1 मिनट 2 मिनट में मेरा शिव चालीसा, फिर 1 मिनट 36 सेकंड में मेरा जो भी है बजरंग बाण, फिर मेरा वना महामृत्युंजय मंत्र फास्टेस्ट का, फिर मेरा वना पद्मासन 1 आवर 4-5 मिनट रखने का। स्कूल जाते हो, स्कूल में भी जैसे आपके फ्रेंड्स डिस्कस करते होंगे कोई न्यू सॉन्ग आया कुछ आया, तब उस चीज में इंटरेस्ट नहीं पड़ता? इंटरेस्ट नहीं पड़ता, पढ़ाई में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट है। पढ़ाई करनी अच्छी लगती है? हाँ जी, वो तो अच्छी है। ते इधर इंटरेस्ट होर की ने लाइक रादर देन दिस मैम इंटरेस्ट मतलब ये खेलता भी है। इधर फ्रेंड्स आंदे कर उन्होंने ना बच्चे जदा आपस खेलते उदा खेलता है। इनु ज्यादा ना कार्टून्स फिल्म्स सॉन्ग्स दा नहीं हैगा, जे ने कुछ देखना भी है तो धार्मिक, ज्यादा सुनना भी है तो धार्मिक, मतलब एदी ज्यादा इंटरेस्ट धार्मिक वाले पासे बहुत। पंडित जी को जाने हैं कुछ ओ ए हनुमान चालीसा ते ए शिव चालीसा ओ जिनी स्पीड नाल बोल दे है ते पर उन्हां नाल भी कोई डिफरेंस है? मैम डिफरेंस मतलब तुसी कह सकदे जिहड़े ने रिकॉर्ड्स बनाए है जी, शिव चालीसा जदा 2 मिनट दे विच या हनुमान चालीसा कुछ 1 मिनट कुछ सेकंड्स दे विच, मैम एज ए बच्चे दी इनी एज दे विच इतना जल्दी और प्रॉपर ए क्लियर बोलदा और हां जी और इनू पूरा आंदा, मतलब ए बिन देखे तुहानू सब कुछ सुना सकदा। ससिकाल तुसीं देख रहे हो जाना टाइम्स, मैं शुप्रीत कौर। अक्सर असीं देखदे हां कि जिहड़े छोटे बच्चे हुंदे ने उहनां नूं टीवी गेम्स ते इहनां दा बहुत शौक हुंदा है, पर साडे विच इक अजिहा बच्चा मौजूद है जो कि शुरुआत तो ही काफ़ी स्पिरिचुअल या भगवान नाल जुड़िया होया, रब नाल जुड़िया होया जिहड़ा बच्चा, ते मैं तुहानूं सारिआं नूं इक वार इस बच्चे नाल मिलवाना चाहूंगी। काफ़ी स्वीट जिहा बच्चा है ते इस नाल थोड़ी आपां गल्लबात करांगे। हेलो, कैसे हो आप? ठीक हूँ जी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आपने पहले थोड़ा सा पहले बताओ क्या नेम है आपका? मेरा नाम तन्मय बजाज है। तो आप मुझे बताओ कि जैसे आपकी एज में तो बच्चों को बहुत गेम्स का, टॉयज का, वीडियो गेम्स का शौक होता है, तो आप तो जिस लाइन में हो, जिस नाम में आपने मतलब इतना नेम बनाया है अब, तो वो कहाँ से आपको आया शौक? वो जैसे कह लो भगवान जी से शुरू से मेरा शौक है वो। अच्छा लगता है ये करना? हाँ जी, अच्छा लगता है। सानू ये भी दसांगे कि इस बच्चे नू की करना अच्छा लगता है, जिवें जिहड़े हिंदू हुंदे ने उहनां दे शिव चालीसा, हनुमान चालीसा जिहड़े उहनां दे ए पाठ हुंदे ने, ओह ए बच्चा उस इस बच्चे ने उस विच ही एक अलग रिकॉर्ड बनाया है। ते पहला दसांगे कि आपको क्या क्या आता है पहले ये बताओ। मुझे संस्कृत मंत्र चालीसा ऐसे काफी आते हैं। सारे एक बार बताओ कौन कौन से आते हैं। ऐसे भगवत गीता श्लोक है, एक गणेश जी का मंत्र है, एक माता जी का मंत्र, फिर जैसे कह लो काफी है। काफी है आपको सारे आते हैं? हाँ जी। सो किसमें आपने सबसे अच्छा रिकॉर्ड बनाया अभी तक और कितने मिनट्स का बनाया है? मेरे पहला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का जो मेरा बना था पहले, वो 1 मिनट 50 सेकंड में मैंने हनुमान चालीसा, दूसरा जो बना था मेरा 1 मिनट 2 मिनट में मेरा शिव चालीसा, फिर 1 मिनट 36 सेकंड में मेरा जो भी है बजरंग बाण, फिर मेरा वना महामृत्युंजय मंत्र फास्टेस्ट का, फिर मेरा वना पद्मासन 1 आवर 4-5 मिनट रखने का। तो ये कब से कर रहे हो, कौन सी एज से स्टार्ट कर दिया था? ये तो 1-2 इयर्स का जब था तब से ही है। तब से ये सब मतलब ऐसे कर रहे हो, तब से ही भगवान जी के साथ इतना लगाव था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा लगता है ये करना? हाँ जी, अच्छा लगता है। तो स्कूल जाते हो, स्कूल में भी जैसे आपके फ्रेंड्स डिस्कस करते होंगे कोई न्यू सॉन्ग आया कुछ आया, तब उस चीज में इंटरेस्ट नहीं पड़ता?
इंटर्न नहीं बट पढ़ाई में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट है। पढ़ाई करनी अच्छी लगती है? हां जी हां जी हां जी वो तो अच्छी है। सो स्कूल वाले जब स्कूल में मैम आपको देखती हैं, मैम आपको लाइक मैम को भी प्राउड फील होता होगा? हां जी हां जी, मेरे प्रिंसिपल मैम, मेरे सारे मैम्स काफी रिस्पेक्ट है उनके। ते साडे विच मौजूद ने तन्मय दे फादर भी, उन्हां नाल थोड़ी गलबात करांगे कि सर थानू अपने बच्चे नूं इदां देख के कि इन्ना स्पिरिचुअल इस एज विच, कि जिवें तुसीं दस्सिया सी कि 7 साल दी उम्र विच ही इसदा नाम जिहड़ा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स विच दर्ज हो चुका है, तो किदां दा लगदा है उस टाइम ते? मैम बहुत प्राउड फील हुंदा जी। देखो ऐसे पेरेंट्स, किसी दा भी बच्चा जे कुछ कर रहा है और अपने कंट्री ली, अपने स्टेट ली, अपने शहर ली, अपनी फैमिली ली, मैम प्राउड मोमेंट है जी, बहुत अच्छा लगता है। ते लाइक इन्ना रिलीजन नाल जुड़िया है तुहाडा बच्चा इन्नी छोटी उम्र विच, ते इस चीज बारे थोड़े की विचार ने? मैम अच्छी गल है, बच्चा छोटे होंदे तो ही जे बच्चा रब वाले पासे हैगा तो बहुत अच्छी गल है जी। आप नु भी अच्छा लगदा कि बच्चा जे भगवान दा नाम लैंदा है, बहुत अच्छी गल है जी, बहुत वधिया गल है। ते इहदे इंटरेस्ट होर की ने लाइक रादर देन दिस? मैम इंटरेस्ट मतलब ये खेलदा भी है, इहदे फ्रेंड्स आंदे आ घर, उहनां नाल बच्चे जिद्दां आपस खेलदे उदां खेलदा आ। इहनूं ज्यादा ना कार्टून्स, फिल्म्स, सोंग्स दा नहीं हैगा। जे इहने कुछ देखना भी है तां धार्मिक, ज्यादा सुनना भी है तां धार्मिक, मतलब इहदी ज्यादा इंटरेस्ट धार्मिक वाले पासे बहुत है जी। ते इन्ना स्पिरिचुअल लाइक किद्दां लाइक फैमिली माहौल ओदा दा है कि? हां जी ओदा ही लाइक शुरू तो ही ये हैगा। हां जी मैम एक्चुअली साडे घर भी दो टाइम माता रानी दी जोत जगदी है, तां शुरू तो ही मतलब इहनूं काफी इंटरेस्ट हैगा। जदों बहुत छोटा सीगा उदों इहने मंदिर जाके साडे नाल बैठना, तां स्टार्टिंग ते मतलब इहनूं काफी हैगा, मतलब रब वाले पासे नूं बहुत है जी, बहुत ज्यादा। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਨਾ ਕਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਧਾਰਮਿਕ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਂਗ ਸੁਣੀਏ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਖੇਡੀਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਨੈਵਰ ਮੈਮ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਕਾਫੀ ਆਏ ਹੋਏ, ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਟਿਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਨਮੇ ਅਬ ਕੈਸੇ ਪਾਪਾ ਅਭੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਿਸਪੋਨਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਜਿੱਧਰ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਰੈਗੂਲਰ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ, ਲਾਈਕ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ? ਮੈਮ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜੈਕਟਲੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਮ ਇਹ ਕੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ, ਇਸ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਪੂਰੀ ਰੂਟੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਈਦਾ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਅਗਰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਸਟ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਮੈਮ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਟੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स विच दर्ज हो गया सी मैम 7 years च होया जी सातवें साल च होया था ते पर ये है कि इन्हें फिर एकदम मतलब जिन्नू भी जिदा कह लो भी एक होया फिर दो होया फिर तीन होया डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ता गया जी सर होने एग्जैक्टली कितनी एज है मैम 7 years का कंप्लीट हो गया इट स्टार्ट होया ते मतलब सिर्फ इन 8 years ते किन्ना मतलब नाम थोड़े बेटे ने इस चीज़ बना लिया बीइंग स्पिरिचुअल रिलिजन नाल जुड़े हुए ते एक बार पूरी अचीवमेंट्स तुसी भी एक बार दस दो मैम मेरा इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दे विच पांच बन चुके जी इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ओके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दे पांच टाइटल्स इनु मतलब पांच रिकॉर्ड्स बन चुके जी ओके ਹੋਰ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ OMG ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਗਿਨੀ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22 ਰਿਕਾਰਡਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 19 ਸਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਤੇ ਟਰੋਫੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਡਲਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਿੰਨ ਈਮੇਲਸ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕੋਰੀਅਰ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 22 ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ 22 ਰਿਕਾਰਡਸ ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਉਹ ਇਹ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਮੈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਣਾਏ ਆ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਕੁਝ 1 ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਐਜ਼ ਅ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਨੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ओके तो मैं एक बार चाहूंगी कि तन में एक बार तुसी भी सुना दो जो भी थानू अच्छा लगता है पहले शुभ काम करने से पहले गणेश जी का नाम लेते पहले वही सुनाता हूं ठीक है सुना दो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अब और उसके बाद क्या सुनाना आप जो बोलोगे सुना दो जो आपको अच्छा लगता है आप सुना दो एक माता जी का मंत्र सुनाओ सुना दो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते तो तुसी देख सकते हो कि किन्ना क्लियर है ते जस्ट एक 8 साल दा बच्चा है ते एक किन्ने क्लियर वर्ड्स विच है जेड़ा माता रानी दा मंत्र भी बोल देता है ते गणेश जी बारे भी किन्ना वधिया बोल देता है ते हनुमान चालीसा भी एक बार बोल के सुना दो हां जी जय श्री राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार भन्न रघुबर बिमल जसो चौदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानकि सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मुहि अरहु क्लेश स्वीकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसती हूँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल लामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंतिर वार समत के संगी कंचन वरन विरास वेसा कानन कुंडल कुंचित केसा आतवज्य और ध्वजा विराजे कादे मूज जदे हूँ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरि सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया सुख समरूप दरि सिहि दिखावा विकट रूप दरि रंक जरावा नीम रूप दरि असुर सहारे लाम चंद्र के का सवारे लाए से जीवन रखन जियाए श्री रघुवीर हर शुराए रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाए तुम मम प्रिय भरत ही सम भाए सहस बदन तुम रोज सगावे अस के ही श्री पटि कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सार सहित ईशा जम कुबेर दिक पार जहाते कभी को विद कह सके कहाते तुम उपकार सुक्रीव ही कीना लामे मेराए राजपत दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंके सर्वे सब जग जाना जुग सहच जो जन बन बानो लीलो धाई मधुर फर जानो प्रभु मुद्दिका मेरी मुखमाई जल जिलांद खे अज रजनाई दुर्गम काज जगत के ते सुगम नुग्रे जुमरे ते राम दुआरे तुम रखवाले होतना आज्ञा बिन पय सारे शंकर सुवन केसनी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम नखन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा विकट रूप धरि रंक जरावा
असुर सहारे लाम चंद के का सवारे राय सजीवर रखन जी आई श्री रघुवीर हरषो राय रघुपति की नहीं बहुत बराए जो बमरे वरत संभाए सबदन तुम रोज गावे अचके श्री पति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा लंकेश्वर बे सब जग जाना जुग जो जन बन बानो लीलो दाई मधुर जानो प्रभु मुद्दिका मिल मुखमाई जल जिलात नाई दुर्गम का जगत के तेते सुर अनुग्रह तुम रे तेते राम दुआरे तुम रखवारे बिन बैसारे सब सु करे तुम्हारी सरना तुम रक्षका हूँ को डरना आपन तेज समारोह आपे तीनों रूम खात के काबे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जब तन अंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान चिरावे मन कम वचन ध्यान जो लावे सपा नाथ तपस्वी राजा दिन के घास कल तुम साजा और मनोरथ जो करावे स्वयं जीवन फर पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत जो जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर नंदन राम दुलारे अस्त सिद्ध नो निध के दाता अश्व दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुखवे सुरावे अंतकार रघुवर पुर जाई जहां जन्म हरि भक्त काई और देवता चितन धरही हनुमत सही सर्व सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बरबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव के नाए ये शुद्ध वार पाठ करो ही झूठे बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा वो ही सिद्धि सागी गोरी सा तुलसीदास सजारी चेरा कीजे राधे जय मदेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता से हृदय वसु सुर भूप जय श्री राम। किन्नी वधिया तरह बिना फंबल दे ते एक वार च इस बच्चे ने जेड़ा सिर्फ 8 साल दा बच्चा है जिसने हनुमान चालीसा काफी रिमार्केबल है कि इस उम्र विच ही इस बच्चे ने इन्ना नाम कमा लिया ते रिलीजन नाल जुड़े हुए इस बच्चे ने किन्ना ही स्पिरिचुअल है। वाकई इस बच्चे नू जिहड़ा इह चीज गॉड गिफ्टेड है कि इहनू शिव चालीसा हनुमान चालीसा माता रानी दा मंत्र ते नाल ही गणेश जी दे वी मंत्र जिहड़े ने सारे इस बच्चे नू याद ने ते इक वी फंबल नहीं ते किन्ने डिफिकल्ट वर्ड्स हुंदे ने ओह वी जिहड़े इस बच्चे ने प्रॉपरली बोल दित्ते ने ते काफी इह वधिया चीज है। ते गल ये होंदी है कि जिहड़े साडे बच्चे ने उहनां विच कोई ना कोई हुनर जरूर हुंदा है ते सिर्फ एक गल हुंदी है उस हुनर नूं पहचानन दी। ते सर तुस तुहाडा बच्चा जिहड़ा है एक अजकल दे बच्चियां वास्ते जिहड़ा है एक काफी रिमार्केबल एक एग्जाम्पल सैट करदा है कि रिलीजन नाल जुड़िया होया तुहाडा बच्चा ते तुसीं इस गल ते एक मैसेज की देना चाहोगे कि सिर्फ इस नूं एज अ टैलेंट तुसीं कंसिडर करोगे या रिलीजन नाल जुड़िया होया तुहाडा बच्चा इस चीज़ नूं कंसिडर करोगे? नहीं मैम देखो मैं तो हरेक नूं कहना कि हरेक बच्चे च कोई ना कोई क्वालिटी है हरेक बच्चे अपने आप च बेस्ट ने नंबर वन ने लेकिन जे बच्चे कोई दूजे नूं फॉलो करदे आ तां अच्छी गल है मैम अच्छी चीज जे फॉलो करनगे तां ज्यादा वधिया है जिदा हुण बच्चा कर रहा है जे तुसीं कह रहे हो कि ऐसे इहदे विच करदा है सो मैम अच्छा लगदा है होर बच्चे भी करन जरूरी नहीं है मतलब आपां जे कहिए सारे बच्चे को लाइन च भी पॉसिबल नहीं है कहना लेकिन हाँ जे करदे आ तां मैम अच्छी गल है सगो अच्छा है सारे बच्चे नूं चाहीदा कि आपां अच्छी अच्छी चीजां सीखिए कुछ भी है। आप और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि उन्हें भी अपना टैलेंट जो है उसको देखना चाहिए? हाँ जी हाँ जी वो पढ़ाई भी करे पूजा भी करे अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट भी करे अपनी जो सारी देश है हमारा उसको क्लीन रखे। किन्ने वधिया विचार ने इस छोटे जे बच्चे जे बच्चे दे सिर्फ 7-8 साल दा ये बच्चा है जिसने इन्ना वधिया जिहड़ा है तुहाडे सामने सारा ही हनुमान चालीसा जिहड़ा इस बच्चे ने सुना दिता ते बिना किसी फंबल दे ते काफी रिमार्केबल ये चीज है ते बच्चा एग्जाम्पल भी अजकल दे बच्चियां लई सैट कर रहा है कि इन्ना रब नाल जुड़िया होया बच्चा है ते जिसने सिर्फ 7-8 उम्र दी विच ही अपना नाम जिहड़ा है इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विच अपना नाम दर्ज करवा लिया ते नाल ही पेरेंट्स वास्ते किन्ना प्राउड मूवमेंट है नाल ही थोनू बच्चे की जिहड़ी अचीवमेंट्स ने उन्हां दे भी एक बार थोनू नज़र पावांगे कि तुसी भी देखो कि इस बच्चे ने इन्नी छोटी उम्र विच ही किन्ना वधिया जिहड़ा अपना नाम बना लिया।
ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਖਿਵਾ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ